मला काही समजत नाहीये एखादा व्यक्तीची भेट होणं किंवा राज्य मंत्रिमंडळातील कोणाही मंत्र्यांची भेट होणं याच्यामध्ये चर्चेचा विषय कसा होऊ शकतो हेच मला समजत नाहीये. बरेच अब्दुल सत्तारभाई हे आमचे जुने सहकारी आहेत, माझ्या मंत्रिमंडळामध्ये ते मंत्री होते आणि एक नॉर्मल माझ्या जिल्ह्यामध्ये आले असताना त्यांनी माझी भेट घेणं याच्यात का अनुचित आहे मला काही समजत नाही आहे. आणि त्याच्यावर अशा प्रकारे चर्चा कशामुळे घडतात, चर्चेला कशामुळे हा विषय होऊ शकतो हेच मला समजत नाही आहे. उलट त्यांचे ते आले असताना जिल्ह्यातलेच प्रश्नच मी त्यांना त्यांच्याजवळ मांडले, कुठली राजकीय पक्ष त्याची चर्चा मी केलेली नाही. मैं अब्दुल सत्तारजी से मिला नहीं, वो मेरे घर पर मैंने उनको बुलाया था, वो मेरे घर पर आए थे, मैं उनको कई सालों से जानता हूँ, मेरी कैबिनेट में वो मिनिस्टर रह चुके हैं, मेरे व्यक्तिगत संबंध उन्हीं से नहीं तो कई अपोजिशन के लोगों से निश्चित तौर पर है. और इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एकाध आदमी, एकाधा मंत्री, एकाधा MLA, MLC, MP कोई मिलता है उसमें चाहे वो कोई पार्टी का हो, मैं समझता हूँ पार्टी से भी ज़्यादा बढ़कर भी पर्सनल रिलेशन तो होते हैं लोगों के, उसमें क्या गलत है. मोहित कंबोज यांना पुन्हा एकदा एक ट्विट केलेलं आहे, या वेळी त्यांना अजित पवार यांना टार्गेट करताना या संदर्भात मी अभ्यास करत आहे अशा पद्धतीचं त्यांचा ट्विट आहे. अजित पवारांनंतर आता मोहित पवारांनी अनेकांचे अभ्यास सुरू आहेत, चालू द्या. हिंदी में सर किसानों को लेकर जिनका सरकार ने अब तक मदद नहीं की, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या मांगे होगी खास करके आपको क्या लगता है? आज हाउस में राज्य में जो नुकसान हुआ है, जो बारिश हुई है, बाढ़ आई है, जिसके कारण किसानों की हालत खस्ता हुई है, क्रॉप कंडीशन खराब हुई है, उसके ऊपर चर्चा अभी भी जारी है. और मुझे उम्मीद है कि आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब जवाब देंगे लोगों की जो मांगे हैं, जो पैसा उन्होंने पर हेक्टर अनाउंस किया है बहुत कम है, और कई हमारे ऐसे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका इंक्लूजन उसमें नहीं हुआ है. तो मैं समझता हूँ आज के जवाब में सरकार अपनी घोषणा में ये सब चीज़ों का जिक्र करे जो लोगों ने मांगे उनके सामने रखी है. मामला गंभीर है, मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट ने और केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और जो भी हो रहा है हम सब साथ हैं इस विषय पर, क्योंकि देश में दहशतवाद हम कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे और उसके ऊपर जितनी कड़क कार्रवाई करने की आवश्यकता उतना छानबीन करके निश्चित करें. चर्चा करणारे तेच आहेत, भाषा अशा प्रकारच्या अफवा पसरणारी तीच मंडळी आहेत आणि नवीन नवीन रोज शो चालू असतो, चालू द्या.